Vaseem, Arshdeep is becoming, a more polished bowler operator with every game. आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर उन्होंने कराया जिसमें उन्होंने सिर्फ दो रन दिए, दो विकेट्स भी नहीं, एंड दैट वाज परहैप्स द चेंजिंग द टर्निंग पॉइंट फॉर दिस गेम. या इट वाज, ही हैज गॉट 9 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट, द मोस्ट बाय एनीवन इन सुपर 12. और उसका टैलेंट मैंने और वकार ने तो एशिया कप में देख लिया था कि जिस तरीके से वो बॉल को स्विंग करता है, नया बॉल दोनों तरफ. मैंने तारीफ सुनी हुई थी इसकी कि आईपीएल में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, बट ही हैज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम. सेंसिबल बॉलर है, यॉर्कर भी अच्छा कर लेता है, स्लो बॉल भी अच्छी है और नया बॉल मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्विंग करता है. ये दो विकेटें जो ली हैं एक ओवर में, इसमें से दो रन दे के मैच का पांचा पलटा है. बिल्कुल चीज है वसीम, इनके केस में कि अगर हम देखें तो एशिया कप में बड़ी क्रंच सिचुएशन में इन्होंने रन्स भी दिए, एक आधा कैच भी बड़ा क्रूशल गिराया उन्होंने, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं नीचे गया. दैट्स व्हाट मैटर्स, कि आपसे खराब परफॉर्मेंस होगी लेकिन कभी भी आप ये ना भूलें कि आप अपनी एबिलिटी से आए हुए हैं टीम में. इंडिया में इसको सोशल मीडिया पे उड़ाया गया है, बट ही सेड आई एम नॉट बदर्ड. ये एटीट्यूड बड़ा जरूरी है. क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट एज वेल, कि दे बैक्ड हिम. Even credit goes to the captain also, के they backed him. उसको पता है कि यार ये हमारा बंदा है, इससे मार भी पड़ेगी, इससे catches भी drop होंगे, लेकिन ये है कि ये हमारा best player है और हम इसको back करेंगे और वही देखें आप उसके results. Is the future? He is the future. Yeah. That's what they consider him. Yeah. He is gonna be the next swings, good thing because and Vicky swings both ways. He swings with the both new ball, ways, yeah. and test match maybe they're gonna play him soon and. I think he's 140 plus करता है, handy cricketer. नया बॉल तो बहुत आला, दोनों तरफ वो कितने कंट्रोल से, रैली रुसो को उस दिन जिस तरीके से आउट किया है वो तो है ही, बट एंड के ओवर्स में स्पेशली जो स्ट्रेंथ है, जो स्टंप्स का यॉर्कर है वो बहुत. आज भी अगर आप देखें 6 के 6 बॉल आखिरी ओवर में, सिवाय पहला बॉल जो उन्होंने पीछे किया, यॉर्कर अंडर प्रेशर भी मिस नहीं हुआ कोई भी. Right. कि वो फुल टॉस हो जाए या कोई इधर उधर प्रेशर में आपसे हो जाता है. मैंने एशिया कप में भी देखा है कि जब डिफरेंट बॉल करने जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन विक्टो वाला यॉर्कर बहुत पक्का है उनका एंड के ओवर्स. ये बिल्कुल पाकिस्तान का मैच देख रहा था एशिया कप में, ये इनका लास्ट ओवर है, एक ही ये जो बॉल था उन्होंने फौरन रियलाइज किया कि नहीं, अब गुड लेंथ वाला कोई सीन नहीं है, गुड लेंथ वाला जो है वो बॉल जा रहे हैं, और वैसे भी साइड की जो बाउंड्रीज थी छोटी थी, तो उन्होंने फौरन रियलाइज किया कि फुल बॉल्स जो हैं वो यहाँ पे बचा सकेंगे, और बहुत अच्छा ओवर था. मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था एशिया कप में, फर्स्ट वाला मैच, तो ये इसलिए मैं स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है. रोहित ने उनको कहा, बीइंग अ कैप्टन, के लास्ट के ओवर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप मिड विकेट पीछे ले जाएँ, तो उसने रोहित को कहा कि नहीं रोहित भाई, मुझे यही रहने दे फील्डिंग. तो मतलब ये था कि अगर यंगस्टर हैं, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं एग्जीक्यूशन में, आपके प्लान में, तो आप कैप्टन के साथ डिस्कस करें और उसे बोले कि नहीं मुझे ये वाली फील्डिंग चाहिए. हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कई दफ़ा बताते हैं यंग बॉलर्स को, आई डोंट नो सब कॉन्टिनेंट में है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा जनरली, बट जनरल बात कर रहा हूँ, कप्तान अब बॉलर को हर बॉल पर कहेगा अब तू स्लो कर दे, अब तू बैक तो हैंड कर दे, तो बॉलर भी कई दफ़ा, अगर फास्ट बॉलिंग कप्तान है तो वो आई कैन अंडरस्टैंड, बट बैट्समैन बैटिंग कैप्टन टेलिंग द बॉलर व्हाट टू डू ऑन एवरी बॉल, इसका मतलब है कि बॉलर के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता टू डिसाइड हिमसेल्फ व्हाट ही वांट्स टू डू.